बात है, आजकल आइटम का दौर है और एक हमारी फिल्म भी आइटम नंबर है और ज़बरदस्त। गोविंद जी, गोविंद नामदेव जी की पार्टी है जो हमारी फिल्म में मुख्यमंत्री दिवाकर वर्मा का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक जस्ट मुख्यमंत्री बनने के पहले की स्टेज, एक बड़े लीडर हैं उनकी पार्टी में जाना होता है। इसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं और जसवीर कौर पे पिक्चराइज कर रहे हैं, ममता शर्मा ने गाया इस गाने को और संदीप जी इसको, इनका जो क्या कहते हैं सिग्नेचर स्टेप है वो लोग अच्छे लंबे लंबे समय तक याद रखेंगे। संदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से कड़ी मेहनत करनी पड़ी आइटम सॉन्ग को आजकल कितना डिफिकल्ट होता है? वेल, सॉन्ग तो सर ने बहुत धमाकेदार बनवाया हमारे लिए, तो आई थिंक काफ़ी आसान हो जाता है जब गाना अच्छा हो जाता है। बट हाँ, उसकी जो थोड़े मूवमेंट्स हैं उसको एनहांस करने के लिए हमने काफ़ी स्टेप डाले हैं। एंड आई थिंक आई एम थैंकफुल टू जसवीर कौर, उन्होंने बहुत मेहनत करके इसमें बहुत अच्छे से किया है। एंड अभी आप लोग देखिए थोड़ा शूटिंग हमारी, एंड यू विल एंजॉय इट। और डेफिनेटली सर ने बोला हमारा जो स्टेप है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और आई होप कि लोगों को पसंद आए और हर कोई ये स्टेप कर पाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। कितना समय लगा कोरियोग्राफ करने के लिए? वेल, अबाउट 4-5 दिन मैंने पूरा गाना बिठाया, बाद में हमने 2-3 दिन रिहर्सल की है अभी और 2-3 दिन में शूट होगी हमारी भी। तो आई थिंक टोटल अबाउट 8-10 दिन लगे हमको इस गाने को तैयार करने में। आई थिंक हर पिक्चर के लिए कहीं ना कहीं पे एक धमाकेदार गाने की जरूरत पड़ती है। हमारे हर फिल्मों में गाना डांस जो है वो बहुत एसेंस बढ़ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉलीवुड फिल्म। तो ये गाना तो हमारे पास है ही जो बहुत अच्छा है, और आई थिंक मार्केटिंग के लिए अगर ज़्यादा गाना अच्छा हो, एक्टर्स अच्छी हो, अगर अच्छा हम पिक्चराइज किया तो ऑटोमेटिकली बिकम ईजी टू सेल अ सॉन्ग, सेल अ फिल्म। एंड आई होप आपको इस आसानी पड़ जाए इसके लिए। आपकी क्या इस गाने को मार्केटिंग वैल्यू के तौर पे पेश करेंगे पूरा प्रमोशन इसी? जाहिर सी बात है, बहुत शानदार गाना है और इसमें गाने के जो लिरिक्स भी हैं वो हमारे कुमार विजय ने लिखे हैं और लिरिक्स भी लोग याद रखेंगे। उसमें कोई वल्गरिटी, कोई चीपनेस, एक क्लास है तो आप सुन के लगेगा आजकल आइटम जैसे हो रहे हैं उससे शायद आपको एक डिफरेंट एक लगेगा कि हिंदी का एक साहित्यिक जो खेल है वो इस गाने में देखने को मिलेगा। ये हमारे दोस्त हैं शैलेंद्र जी, बड़ी अच्छी मूवी बनाई है उन्होंने JD के नाम से और आज आइटम सॉन्ग है तो उसके लिए उनकी सपोर्ट करके मैं आया हूँ यहाँ पे। तो बड़ी अच्छी मूवी चल जाएगी इनकी, गुड विशेज इनके साथ हैं। शुभकामनाएं तो हमेशा साथ हैं, दोस्त है हमारा, जैसे जैसे मूवी चल जाएगी तो शुभकामनाएं भी बढ़ती जाएंगी। वो एक थ्रिलर मूवी है, खेल तो अब शुरू होगा, उसमें रुसान देवशी और भी अच्छा है, उसमें जो साइड पर काम कर रहे हैं अच्छे एक्टर हैं, खुशी शर्मा, मलिका, के। मूवी हमारी 75% UP में हुई, बाराबंकी में, लखनऊ में, और बाकी कुछ यहाँ मुंबई में हुई। अभी एक दिन का शूट बाकी है, वो भी कंप्लीट करना है अभी। कब तक से रिलीज होगी? कोशिश तो यही है अक्टूबर या नवंबर तक हो जाए। ये एक जश्न है जो दिवाकर जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ उसने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें शहर के तमाम दिग्गज लोग पधारे और उन्हीं में से किस प्रकार का है और क्या आपकी पूरी इसमें भूमिका है? ये एक जश्न है जो दिवाकर जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ उसने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें शहर के तमाम दिग्गज लोग पधारे और उन्हीं में से ये अपनी शतरंज की गोटियां चल रहा है। इसका काम है कि कौन से मोहल्ले को कहां से कैसे इस्तेमाल करना है। तो इन लोगों में से JD नाम का जो जर्नलिस्ट है उसका इस्तेमाल करने के लिए वो उसको लेके आता है यहाँ पर और कुछ खास लोगों से मिलवाता है और कोशिश ये है कि वो अपना उल्लू सीधा करे। मैं
फर्स्ट टाइम आइटम सॉन्ग करने जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, बिकॉज पहली बार एक आइटम सॉन्ग होने वाला है. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज संदीप के साथ कर रही हूँ. संदीप के लिए मैंने सांबा एंड सालसा परफॉर्म किया है एंड उसके लिए बॉलीवुड कर रही हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड. संदीप फोटोग्राफ करने में कितना कैसा? संदीप हमेशा बॉल रूम फॉर्म्स करते हैं एंड उनके साथ मैं इंटरनेशनल डांस फॉर्म कर चुकी हूँ. सो ये पहली बार वो भी बॉलीवुड फुल ठुमका टाइप्स कर रहे हैं. सो या मज़ा आएगा शूट करने में. और संदीप सर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनकी फोटोग्राफर के बारे में? संदीप इतने सालों से ये डांसर्स को एज एन बॉयज़ गर्ल्स को ट्रेन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं. उनकी काफ़ी जगह ब्रांचेस है एंड हमारे सेंटर में भी कांदीवली में उनके ब्रांच है. और उन्होंने काफ़ी गाने किए हैं पहले बॉलीवुड में, बट हमेशा इंटरनेशनल फॉर्म्स किए हैं. सो मैं उनसे एसोसिएट हुई आई थिंक 3-4 साल पहले एंड तब से वी इन टच. और एवरी टाइम उनके एक फ़ोन कॉल पे मैं होती हूँ. अभी भी मुझे उन्होंने कहा जैसे एक सोलो सॉन्ग है और मैं तुम्हारा नाम दे रहा हूँ, ऐसा ठीक है. सो दैट्स हाउ आई केम हियर. दर्शकों को मैं कहना चाहूँगी कि मैं एक अलग रूप में आपके सामने आ रही हूँ. मैंने हमेशा कुछ ना कुछ अलग किया है एंड आई होप आपको मेरा ये रूप पसंद आए. एंड डांस है तो वो तो मैं जम के करूँगी. सो प्लीज़ डू वॉच, जब भी ये ऑनलाइन आए या यूट्यूब पे आए आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा. एंड इफ़ आपको ढूंढना है तो JD फिल्म का नाम है, यू कैन सर्च मी.